हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सेकंड ईयर फिजिक्स की जो अपेयरिंग स्कीम है 2023, इसको इस्तेमाल करके इसके अंदर चैप्टर की वेटेज देके कौन से चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स आने हैं और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इधर लिखते हैं जी, पेयरिंग स्कीम फॉर फिजिक्स 2023। ठीक है जी, ये ऑल बोर्ड्स की होती है जी, तो ऑल बोर्ड्स। ठीक है जी, इधर हमारे पास सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं आपके पास चैप्टर नंबर, इधर आपके पास आ जाएगा जी MCQs। ठीक है जी, उसके बाद इधर आ जाएगा जी आपके पास वेटेज। ठीक है, यानी कि मार्क्स के लिहाज से मैं इधर लिखूंगा और ये एवरेज होंगी। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये पेयरिंग स्कीम 90% to 80% बोर्ड को दी जाती है कि भाई इसके मुताबिक पेपर होगा, तो मोस्टली इसके मुताबिक ही पेपर होता है। तो ये 100% कन्फर्म नहीं होगा कि एग्जैक्टली इसके मुताबिक होगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि न्यूमेरिकल में वो मेंशन करते हैं कि न्यूमेरिकल आपके किसी भी चैप्टर से आ सकता है, पेयर होता है ना 12 और 13 का। तो ये कन्फर्म नहीं है कि 13 से हमेशा पार्ट बी यानी कि न्यूमेरिकल ही आएगा, 12 से भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है जी, ये आपके पास हो गए जी वेटेज। इधर आपके पास आ जाएंगे जी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास इधर दो किस्म के आएंगे, यानी कि 50% इन एक्सेस फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 50% फ्रॉम चैप्टर, चैप्टर के अंदर से थ्योरी में से। ठीक है, और ये आपके पास आ जाता है जी लास्ट पोर्शन इधर, कौन सा? लॉन्ग क्वेश्चंस का। ठीक है जी, ये आ गए जी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि इनको मैं क्या लिखता हूँ जी, पेयर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम इसे देख लेते हैं। तो इधर मैं चैप्टर नंबर को सीक्वेंस में लिख देता हूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21। ठीक है जी, ये आपके पास आ गए जी 10। तो 10 चैप्टर्स हैं इधर टोटल, मैं इधर नंबर लिख देता हूँ जी 10 चैप्टर्स। हर चैप्टर से एक लॉन्ग हर हाल में आना ही आना है, क्योंकि पेयर है। तो इधर हमारे पास एक और हम इधर बॉक्स बना लेते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, तो हर में से एक आना ही आना है। तो हमें पता है कि 12 में से अगर थ्योरी आएगी तो 13 में से क्या आएगा? न्यूमेरिकल। तो 3 नंबर का ये होता है, 5 नंबर का ये। तो एवरेज मार्क्स हर पेयर को यानी कि हर चैप्टर को कितने जाएंगे? 4। तो इधर 4 मार्क्स वो लगा लेते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20 and 21। ठीक है जी, तो ये हर चैप्टर को एवरेज मैंने 4 मार्क्स दे दिए। अब MCQs देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 में से एक MCQs आना है, 17 में से एक आना है और 20 में से एक आना है। इसमें से दो इसमें से, उसके बाद दो MCQs इसमें से, दो इधर से। तो टोटल आप जब इन्हें सम करेंगे तो ये टोटल 17 बनेगा। और 17 MCQs के कितने मार्क्स होते हैं? 17। आपने 17 के 17 MCQs को क्या करना है जी? अटेम्प्ट करना है। वेटेज बाद में लिखते हैं, पहले आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 50% इनसाइड चैप्टर आएंगे, 50% एक्सरसाइज आएंगे और ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हम इधर लिखते हैं। तो ये पोर्शन मैं ज़रा अलग बना देता हूँ ऐसे करके, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होती है कि सबसे पहले ये आपका MCQs होता है क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड में, ये होता है जी क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपके टोटल होते हैं आपके 12 क्वेश्चंस, अटैम्प्ट करने होते हैं 8, यानी कि 24 में से 16 नंबर आपने लेने होते हैं। अब इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर 12 और उसके बाद इसके अंदर चैप्टर इंक्लूड होता है 12 के बाद आपके पास है जी 14 और उसके बाद लास्ट में है जी 21। ठीक है जी, ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2। 12 में से आपके पास 4, 4, 4, दो एक्सरसाइज से, दो चैप्टर के अंदर से, तो ये आपके पास बनेगी स्कीम कुछ। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर 12 होते हैं, 8 करने होते हैं, 24 नंबर टोटल हैं, 16 लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चॉइसेस आ जाती हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ चैप्टर, कौन सा चैप्टर होगा इसके अंदर आपके पास? 13, फिर 16, 17 एंड देन 18। और इसके अंदर से टोटल बनने कितने कितने शॉर्ट हैं? 3, 3, 3 और 3। हम कह लेते हैं भी दो एक्सरसाइज से एक चैप्टर से और एक चैप्टर से। ये भी हो सकता है कि इसमें से दो अगर एक्सरसाइज से हैं तो अगले में से दो इसके चैप्टर के अंदर से हो, तो ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और उसके बाद आपके पास है जी लास्ट
क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, नौ होते हैं, करने छः हैं, 18 नंबर है और लेने कितने हैं 12, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो चैप्टर है वो बचे कुछ जो चैप्टर है 15 और उसके बाद 15, उसके बाद 19 और देन 20, ठीक है। और 15 में से चार है, दो एक्सरसाइज से, दो चैप्टर के अंदर से 19 में से आपके पास है जी तीन, एक दो और एक, और इसमें से आपके पास है दो, एक और एक, ठीक है जी। अब इनकी वेटेज देख लेते हैं, फिर हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब वेटेज में आ जाए तो वेटेज में आप चैप्टर नंबर 12 को देखें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने हैं 8, 8 दूनी सॉरी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मार्क्स कितने बने 8, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 10 और 4 14, तो कितने नंबर आ जाएंगे आपके पास इधर 14। अब चैप्टर नंबर 13 देखें, ये 13 है, 6 और 1 7, 7 और 4 11। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 को देखें ज़रा, चैप्टर नंबर 14 की ज़रा भाई, ये रहा 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 8, 8 और 2 10 और 10 और 4 14। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 6, 3 दूनी 6 हो गया ना, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 और उसके बाद 2 8, 8 और 4 12। 17 पे आ जाए, 17 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11। उसके बाद 18, 18 में 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। 19, 19 की तरह जी 3, 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। उसके बाद 20, 20 में से 2 हैं, 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9। और चैप्टर नंबर 21 पे आ जाएं, 21 में 8, 8 और 2 10 और 4 14। तो ये हमारे पास एवरेज मार्क्स हैं। ये एवरेज मार्क्स कैसे निकाले हैं, वैसे बताए हैं कि अगर चैप्टर नंबर जो आपके पास 12 वाइस में से 5 नंबर का ये आएगा, तो 3 में से फिर 13 में से 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, तो ये एक इधर डाल दे तो एवरेज हमारे पास 4 नंबर इधर आ जाते हैं। तो इस तरह मैंने ये टोटल बनाया है, ठीक है जी। अब आ जाए इधर, अब लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग लिखता हूँ मैं। इधर हमारे पास इधर होता है जी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दो पेयर होता है जी, एक 12 और 13 का। अब मैं इसके अगर मार्क्स लिखता हूँ, 12, 12 के मैंने कितने बनाए हैं जी 14, 13 के कितने हैं जी 11, 14 और 11 कितने हो गए जी आपके पास, ये आपके पास आ जाएंगे इधर 25 मार्क्स, कितने आते हैं जी 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी। और पेयर कौन सा आ जाएगा 12, 13, 14, 15, 16, 18 उसके बाद 17, 19 एंड देन 20 एंड 21, ठीक है जी, ये बनेंगे। अब 14 के देख लें जी, ये आ गया जी 14 और 15, 14 और 14 कितने हो गए 28, 16 में से 12 है और 18 में से 12 है, तो कितने हो गए जी 24, 17 में 11 है और इसमें कितने हैं 12, तो कितने हो गए 23, और 20 में 9 है और इसमें कितने हैं, ये हो जाएंगे आपके पास 23, ठीक है जी, ये कितने हो जाएंगे 23। तो ये आपके पास है जी मार्क्स। अब अगर आप इन सब मार्क्स को जमा करें, आप इधर सबको जमा करें, 25 और 25 और 53, 53 और 57, 77, 77 और ये 23 जो आपके पास आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 100 और 100, ये टोटल कितने बनेंगे 1, 2, 3। आप कहेंगे सर पेपर तो सर हमारा आता है 85 का, ये बन रहे हैं 1, 2, 3, यानी कि 123 नंबर। होता ये है कि आपके पास 85 आपने हासिल करने होते हैं 1, 2, 3 से। उसने कहा सर टोटल 85 नहीं होते। मैंने कहा सर 85 नंबर लेने हैं, ये जो एक्स्ट्रा चॉइसिस हैं, जैसे कि ये 12 है, चार चॉइस में आ गए, चार इधर आ गए चॉइस में, चार और तीन इधर आ गए, चार चार आठ, आठ और तीन ग्यारह मल्टीप्लाई बाई टू, तो 22 नंबर के शॉर्ट तो आपको इधर से मिल रहे हैं फ्री खाते में, यानी कि चॉइस में। फिर पेयर कितने करने होते हैं आपने, तीन मतलब कितने बने, 8 नंबर का एक है मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल बने 24। होते कितने हैं 5, तो यानी कि 8, 16, 24, 32 और ये 40, तो यानी कि 24 किस में से आ रहे हैं 40 में से। तो ऊपर के जो 16 नंबर है, 16 और वो जो इधर से हमें मिल रहे थे 12, तो जब आप इन सब को जमा करेंगे तो आपके पास बनेंगे 1, 2, 3। अब रह गई बात कि हमने चैप्टर करने कौन से तैयार, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स देखें और वो देखें जो चैप्टर आपको अच्छी तरह आते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें एक पेयर तो ये वाला लाजमी करना चाहिए, 28 नंबर लेके बैठा हुआ है। फिर हमें 12
और 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का पेयर भी लाजमी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाईजान इसको गौर से देखें तो एक तो स्टार्टिंग के चैप्टर तो आसानी से आते हैं, दूसरी नई चीज़ क्या है कि स्टार्टिंग के अलावा मार्क्स भी अच्छे खासे लेके बैठा हो। फिर चैप्टर नंबर 16-18 का पेयर अगर हम पकड़ लेते हैं तो इसके मार्क्स भी इनमें ज़्यादा है, तो अगर आप इन सबको जमा करें ये हो जाएंगे 53, 57 और 77। तो कितने नंबर का आपका पेपर अटैम्प्ट हो सकता है? 77 मार्क्स का। याद रखें कि हम जो बाकी हैं वो हम इधर से करेंगे। उसने कहा सर बाकी क्यों, बाकी तो हम आगे एक पेयर कर ले तो पूरे हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि इनके एमसीक्यूज भी तो देखें, 3 एमसीक्यूज इधर हैं आपके और 3 एमसीक्यूज इधर हैं, तो 6 नंबर के एमसीक्यूज इनमें से आने हैं, इन चैप्टर में से, ये वाले चैप्टर हैं जी 17, 19, 20 और 21। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी तो देखें, आपने 15 तो कर लिया, 19, 20 तो किया ही नहीं, तो पाँच जो है यानी कि 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी तो आने हैं, लेकिन ये तो 4 पूरे करवा रहा है, करने 6 हैं तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और भी करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमें इन चैप्टर के क्या करने पड़ेंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार, यानी कि इनके आप शॉर्ट कर लें तैयार, 19 और 20 के एमसीक्यू सबके कर लें, और अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ना है तो आप इनमें से कोई चैप्टर यानी कि 21 को आप स्किप कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपके ऊपर वाले चार इन चैप्टर में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली पूरे हो जाए। हाँ, आप इसके जस्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, इसके एक्सरसाइज के कर लें, ठीक है, और इनको आप थॉरली तैयार कर लें, चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी कर लें, अंदर से भी कर लें और इनके एक्सरसाइज के कर लें, तो आई होप आप 85 मार्क्स सुकून से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं, और जो आपके दोस्त तैयारी के लिहाज से परेशान है कि कैसे तैयारी करें, उनके लिए वीडियो है और उनको लाजमी शेयर करें। थैंक यू।